मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग खुली हुई किताब को बनाना यहाँ पर सीखेंगे। चाहे आप क्लास 10 में हो या क्लास 12 में हो, ठीक है, आलेखन कला या प्राविधिक कला, प्रत्येक में स्मृति चित्रण से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आज खुली हुई किताब बनाना, तो आप भी सीखिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करना क्या आपको है, आपको यहाँ पर लाइन करनी है। तो पटरी की सहायता से सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जो भी आपका कागज़ वगैरह हो, ठीक है, आप उसमें एक लाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आप लाइन करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की एक लाइन कर रहे हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये लाइन हो गई है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसकी चौड़ाई को कर लेना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 9 आपका कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक लाइन इसमें इस तरफ खींचनी पड़ेगी क्योंकि हमारी खुली हुई किताब है। अब यहाँ पर बात ध्यान रखने योग्य है कि खुली हुई किताब है ना, तो थोड़ी आप इस तरीके से बनाएंगे ऊपर की साइड में करते हुए। तो क्या सिस्टम आपको करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखिए 1.5 सेंटीमीटर आपका कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर आपका 1.5 हो रहा है ना, तो बिल्कुल इसी के लाइन में आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपका ये जा रहा है। तो इस तरीके से अंदाजे से आप यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है, निशान। और यहाँ पर भी आप बिल्कुल सीधी लाइन कर देंगे 12 सेंटीमीटर की। तो आप यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ भी लाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ से एक लाइन इस तरीके से कर लेंगे। अब इसी हिसाब से आपको इसके इस तरफ, ठीक है, इस साइड में भी यहाँ से इसी के 9 सेंटीमीटर की दूरी देख लीजिए कहाँ पर है, और बिल्कुल सीधी लाइन जो है आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा कहाँ पर जा रहा है, हमारा यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से 12 सेंटीमीटर की लाइन हम लोगों को इधर भी करनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है, और आपका जो है यहाँ तक ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से इसको मिलाना है, गोलाई करते हुए लाना है, ठीक है, इस तरीके से आप जो है आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है, और इधर से भी आपको गोलाई करते हुए यहाँ तक लाना है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, यही काम आपको ऊपर भी करना है, ठीक है, यहाँ पर वही काम करना है। तो देखिएगा हम यहाँ से जो है हमें लाना पड़ेगा इधर इस तरफ, ठीक है, और यहाँ से हमें लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ। थोड़ा सही कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से आएगा इस तरीके से, आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना काम आप सभी को सबसे पहले कर लेना है। जब आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद आप करेंगे क्या, आपको यहाँ पर करना क्या है, आप इस तरीके से यहाँ पर वही काम करेंगे। देखिएगा 1.5 सेंटीमीटर आपका कहाँ पर है, तो हमारा लगभग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम इससे 1 या 1.5 सेंटीमीटर इस तरफ जो है हम यहाँ से लगभग 2 सेंटीमीटर मान लीजिए हम कर लेते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इधर हमने क्या कर लिया है, एक पॉइंट लगा लिया है। और हमें यहाँ पर भी वही काम करना है, ठीक है, एक लाइन करनी है जितनी लाइन आपकी पहले थी। आपकी लाइन पहले कितनी थी, अगर 12 सेंटीमीटर की थी तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर लाइन कर लीजिएगा एक, ठीक है। तो देखिएगा हम इस तरीके से एक लाइन इस तरफ कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा नीचे पॉइंट जो है आपका यहाँ तक आ गया है। इसी हिसाब से आपको इस तरफ भी वही काम करना है, ठीक है, इस तरफ। सबसे पहले आप देखिए 1.5 सेंटीमीटर कहाँ पर आपका आ रहा है, तो 1.5 हमारा यहाँ पर ही है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने इस तरफ कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया इधर, तो यहाँ पर उतना ही आप लोग इधर ले लीजिएगा, ठीक है, जितना आपका यहाँ पर जा रहा हो। पॉइंट आप लगा लेंगे एक, और पॉइंट लगाने के बाद आपको यहाँ से भी एक 12 सेंटीमीटर की लाइन इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है। तो देखिएगा हमने इस तरीके से यहाँ पर लाइन कर ली है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी लाइन है वो इस तरीके से आप इधर से मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से आपको इस तरफ लाइन मिला लेनी है, ठीक है, यहाँ पर वही काम करना है, नीचे भी आपको लाइन मिला लेनी है।
तो इस तरीके से आपकी लाइन यहाँ पर मिल जाएगी, और इस तरफ भी आपको वही काम करना है, ठीक है। इन लाइनों को आपको मिला लेना है, तो इस तरीके से रखेंगे हम लोग, और यहाँ पर लाइन को मिला दिया हमने है, और हम यहाँ पर भी लाइन को मिला देंगे, ठीक है। तो इतना काम भी आप लोग कर लेंगे, ये इतना काम आप लोग कर लेंगे। इसके बाद अब आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर वही काम करिएगा, ठीक है। इस मतलब इधर से भी देखिएगा, ये हमारा कितनी सेंटीमीटर थी, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर थी। तो हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, और 2.5 हमारा यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक लाइन इधर कर लेंगे, और इसी हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर की लाइन आप इधर कर लीजिएगा, ठीक है। इधर भी आप इस तरीके से लाइन कर लेंगे, और जब आपकी लाइन यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इधर भी वही काम करना है, यहाँ से इसको मिलाना है, ठीक है। अगर आपकी ऊपर गुलाई सही ना हो तो आप इसको सही से कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और इधर भी आप वही काम करिएगा, पहले तो आप इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। और ऊपर अगर आपके सही नहीं है तो आप इसको फिर से बना लीजिएगा, ठीक है, गोलाई करते हुए। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा। और रही बात नीचे की, तो आप जो है अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से और यहाँ तक लाइन करते हुए इस तरीके से चले आना है, ठीक है। नीचे की साइड में देखिएगा, इस तरीके से आप लोग लाइन करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे, इधर से इधर आ गए हम, ठीक है। इधर से भी आ जाएंगे, यहाँ से इस तरफ लाइन करते हुए, तो ये इस तरीके से इधर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो है इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, और इस तरीके से आपको थोड़ी सी गोलाई बनाते हुए यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो किताब आपकी बनी है ना, उसकी मतलब आउटलाइन वगैरह यहाँ पर आपकी बन चुकी है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए शेडो बिना के आपका चित्र बिल्कुल बेकार लगेगा। शेडो के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो भी आपकी पेंसिलें होती हैं, जैसे 4B है, 6B, 8B, 10B, ठीक है। तो जितना आपको डार्क चित्र चाहिए उतनी अच्छी मतलब पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। 10B, 8B का इस्तेमाल करेंगे तो आपका चित्र उतना ही बेहतर शेडो आपकी बन के यहाँ पर निकल के आएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पटरी की सहायता से सबसे पहले ये जो है मतलब पेज बनाएंगे ना, तो पेज के लिए हम यहाँ पर लाइन कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल लगातार लाइन करेंगे, ठीक है। फिर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना क्या है, आपको इस तरफ भी लाइनें कर लेनी है, ठीक है। जितनी बेहतर आप लाइन करेंगे उतनी बेहतर आपकी बुक बनकर रेडी हो जाएगी यहां पर। तो चलिए यहां पर भी हम लोग इसी प्रकार से लाइनें कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा,
इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ये लाइन इस तरफ कर लेंगे, इस तरफ कर लेंगे, और यही काम आपको इधर भी करना है, ठीक है। नीचे की साइड में भी आपको इसी तरीके, जैसे आपका ये बना हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी नीचे की साइड में भी इस तरीके से आपको पेज बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम ये भी बना लेते हैं फटाफट से।